स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्राफ्स। सो हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार्टिंग में हमने पहला चैप्टर किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। द सेकेंड चैप्टर दैट वी डन वॉज द न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और जो तीसरा हम लोग अभी करने वाले हैं, तीसरा जो हमने अब करने वाले हैं वो है ग्राफ्स। सो व्हाट इज़ ग्राफ्स? सो आपको मालूम ही होगा, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर आप सबको पता ही है इसको मैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो एंगल है एक्स, दैट इज बिहेविंग लाइक अ इनपुट, है ना, और जो आउटपुट है वाई, वाई दैट इज बिहेविंग लाइक एन आउटपुट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कई सारे इनपुट्स डालने वाले हैं। सो एक्स की कई सारी वैल्यू डालते आएंगे और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती आएगी, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो वी हैव सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड फॉर ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव सिक्स करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हर फंक्शन का हम लोग अब ग्राफ देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो सबसे पहला है वो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, तो मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखो या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो जब हम प्लॉट करेंगे तो x को तो हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो आउटपुट्स आएंगे एफ एक्स उसे हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो आप सबको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं। अब एक चीज़ आप याद नोट रखना कि वेन एवर वी ड्रॉ अ ग्राफ वी डू नॉट डिनोट द एंगल्स इन डिग्रीज, वी डिनोट देम इन रेडियंस। तो इवन दो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री लिखा है, पर हम लोग इसको 0 और 90 डिग्री क्या लिखेंगे? पाई बाय 2। नाउ व्हाट वी अबाउट टू डू इज दैट वी आर अबाउट टू इंक्रीज द एंगल। हम इनपुट डालते आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो जो हमें मालूम है एक्स की वैल्यूज, और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती आएंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट करते जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, टुवर्ड्स द राइट, है ना, टुवर्ड्स द राइट मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ 0 से लेकर पाई बाय 2, है ना, तो मैं और इसको लेफ्ट में। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करते जा रहा हूँ। यार है ना, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा 0 से लेकर 360 डिग्री या 0 से लेकर 2 पाई तक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आपको मालूम ही है आफ्टर फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर 360 डिग्री द एंगल टेंड टू रिपीट देमसेल्फ। इसे जैसा ग्राफ 0 से लेकर 360 के बीच में बना होगा, जैसा ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बना होगा, वैसे ही ग्राफ वापस से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन से एंगल्स आपको पता है? 0 डिग्री पता है जो कि 0 रेडियंस होता है, 30 डिग्री पता है जो कि पाई बाय 6 होता है, 45 डिग्री पता है जो कि पाई बाय 4 होता है, और 60 डिग्री पता है जो कि पाई बाय 3 होता है, एंड द लास्ट इज पाई बाय 2 विच इज 90 डिग्री। नाउ इन सब की वैल्यूज तो हमें मालूम ही है, साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ पाई बाय 6 इज हाफ, साइन ऑफ पाई बाय 4 इज 1/√2, साइन ऑफ पाई बाय 3 इज √3/2, एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप ये ऑब्जर्व करते हो जैसे जैसे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स बढ़ाए, आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक गए हो, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक गए हो। याद रखना ऑन द एक्स एक्सिस विल बी डिनोटिंग द एंगल्स, बट दीज एंगल्स शुड बी इन रेडियंस, एंड ऑन द वाई एक्सिस विल बी डिनोटिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दैट वी हैव गॉट, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो वाई है। देखो ना, यहाँ पर आपने इनपुट क्या डाला? 0, साइन ऑफ 0, और आउटपुट क्या है? 0। तो बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा? 0,0, है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से, ये 0 है और ये मान लो ये पाई बाय 2 है, और यहाँ कहीं पे पाई बाय 4 है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यूज, साइन की वैल्यूज 0 से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है? 1 तक। तो 0 से शुरुआत होती है और 1 तक जाती है। सपोज दिस इज द लेवल 1, सो 0 से शुरू होती है एंड दे गो अप टिल 1। अब बताओ पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू क्या है? 1/√2। 1/√2 हल्का सा 1/√2 वुड बी मोर देन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 6? पाई बाय 6 वुड बी समवेयर हियर, है ना। तो पाई बाय 6 पे द वैल्यू इज 1/2, है ना। और अगर आप इसे फ्री हैंड से ज्वाइन करो, 1/2 वुड बी समवेयर हियर एट द हाफ,
जब इसको आप फ्री हैंड से ज्वाइन करो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ज़्यादा पॉइंट्स डिनोट करने के बजाय आई जस्ट डिनोट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। सो आप देख सकते हो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो साइन की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, और देखो ग्राफ कैसे गया, जीरो से भरते भरते वो कहां पहुंच गया, वन तक, एंड इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनी, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। आप देख सकते हो जीरो से लेकर 90 डिग्री के ट्रेवल में 45 डिग्री या पाई बाय 4 तक या पाई बाय 6 तक आते आते 30 डिग्री तक आते आते 1/2 हो चुका था, मतलब आधा रास्ता तो वो ऑलरेडी पार कर चुका था। तो द ग्राफ एट द स्टार्ट थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है एंड देन इट टेंड्स टू गेट फ्लैट। तो ये तो था आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अब क्या करेंगे, ज्यादा एंगल्स बनाने के बजाय वी ओनली डिनोट द एक्सट्रीम्स। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 से 1, इसलिए इसका ग्राफ 0 से पाई बाय 2 जाते जाते 0 तक 1 पे पहुंच जाता है। इज दैट क्लियर, 0 से पाई बाय 2 एंगल जाते जाते इसकी वैल्यू 0 से 1 तक चली गई, है ना। सो मैं यहां पे समराइज कर रहा हूं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप साथ साथ ग्राफ्स को देखते रहना। जो एंगल है हमारा x वो 0 से भड़के कहां पहुंच गया, पाई बाय 2। 0 से कहां तक पहुंच गया, पाई बाय 2। और जो y की वैल्यू है, जो फंक्शन की साइन की वैल्यू आई है, फंक्शन साइन की वैल्यू आई है, वो कहां से कहां तक बढ़ गई, 0 से भरते भरते 1 तक पहुंच गई। तो यू कैन सी द ग्राफ हैज इंक्रीज एंड गॉन अप टू 1। लेट अस गो इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट। सो लेट अस नाउ गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं, बताइए सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल एक्स होगा वो 90 डिग्री से बढ़ते हुए 180 डिग्री तक जाएगा। बट एज आई सेड एट द स्टार्ट, नाउ एंगल्स शुड नॉट बी डिनोटेड इन डिग्रीज, दे शुड बी डिनोटेड इन रेडियंस। सो 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2, एंड 180 डिग्री क्या होता है, पाई। सो हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल्स को पाई बाय 2 से बढ़ाते बढ़ाते पाई तक लेके जाएंगे। सो लेट अस सी, सबसे पहले आएगा एंगल पाई बाय 2, फिर आएगा पाई बाय 2, याद रखना 90 डिग्री होता है, फिर 90 में 30 ऐड कर दो 120 डिग्री। पर यहाँ 120 डिग्री लिख के फायदा नहीं है, या एक काम करता हूँ पहले मैं डिग्रीज में लिख देता हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट टू द एंगल्स क्विकली। तो आप देख सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने एंगल्स क्या क्या बना दिए, 90, 120, 135, 150, 180, और इन सबका साइन। पर ये याद रखना जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो एंगल को डिग्री में नहीं रेडियंस में लिखना पड़ता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ उनके करस्पॉन्डिंग रेडियंस, साइन पाई बाय 2। वॉट इज 120 डिग्री, 60 डिग्री का डबल 2 पाई बाय 3। वॉट इज 135 डिग्री, 45 डिग्री का 3 टाइम्स 3 पाई बाय 4। वॉट इज 150 डिग्री, 30 डिग्री का 5 टाइम्स 5 पाई बाय 6, एंड द लास्ट वुड बी साइन ऑफ पाई। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे। सो व्हाट इज साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, ये तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बताओ 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, वी हैव डन दिस इन द सर्कुलर सिस्टम। 120 डिग्री को लिखेंगे 90 प्लस 30, फिर साइन ऑफ 90 प्लस 30 करेंगे, जो कि आप जानते हो इसको लिखते हैं हम साइन ऑफ 90 प्लस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। तो ऐसे आप सबके निकाल लेना, यह आएगा 1/√2, यह आएगा 1/2, एंड कॉस 180 डिग्री या कॉस सॉरी साइन 180 डिग्री या साइन पाए 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यूज घट रही हैं, मतलब ये 1 से घटते घटते कहां पहुंच गया, 0 तक। और अगर इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जिस रफ्तार से घटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसी रफ्तार से बढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 से लेकर 1 तक गया था, 0 से लेकर 1 तक गया था, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए वो 1 से घटते घटते कहां पहुंच गया, 0। सो ड्यू टू द सेम थिंग देयर वुड बी सेम लेवल ऑफ सिमेट्री। मान लो ये पाई बाय 2 है, यहां कहीं पे आएगा पाई, तो उसी रफ्तार से वापस गिरेगा। पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 थी, हियर समवेयर इन बिटवीन वुड बी 3 पाई बाय 4,
एंड हियर वुड बी दिस 5π/6। बताओ 5π/6 पे वैल्यू क्या है? हाफ। सो आप देख सकते हो साइन 5π/6 पे वैल्यू है हाफ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से लेकर यहां तक इट वॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहां से लेकर यहां तक इट इज व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? साइन इज, साइन के एंगल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, साइन की वैल्यू बढ़ के कहां तक पहुंच गई? 1 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे साइन की वैल्यू घट के 1 से कहां पहुंच गई? 0 तक। और जिस रफ्तार से बढ़ी थी उसी रफ्तार से घट रही है, तो इट्स अ सिमेट्रिकल ग्राफ दैट यू हैव गॉट। नाउ लेट अस गो इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स कहां से कहां तक होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट जो एंगल एक्स है वो कहां से कहां तक जाएगा? इट वुड गो फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको मालूम है कि फॉर मेकिंग द ग्राफ यू हैव टू मेंशन इट इन रेडियंस, तो दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। तो x की वैल्यू पाई से बढ़कर 3π/2 तक जाएगी, मतलब इनपुट जो है वो पाई से बढ़कर 3π/2 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से एंगल्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले डिग्रीज में लिख देता हूँ बिकॉज इट इज ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। 180 डिग्री, 180 में 30 ऐड करते हैं, 210 डिग्री, इसमें 180 में 45 ऐड करते हैं, 225 डिग्री, देन 180 में 60 ऐड करते हैं, 240 डिग्री, एंड देन यू हैव 270 डिग्री। बेसिकली हमें इनके साइन निकालने हैं। साइन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये तो इनपुट है, वाई निकालना है तो वाई इज साइन ऑफ द एंगल। तो ग्राफ के लिए हमें इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी, बट सिंस वी वॉन्ट देम इन रेडियंस तो आई विल राइट इट हियर। दिस इज साइन पाई, क्योंकि हम लोग पाई से बढ़कर कहां तक जा रहे हैं? 3π/2 तक। तो साइन पाई। अच्छा बताओ 210 डिग्री क्या होगा? 210 डिग्री इन रेडियंस, दिस इज 7 टाइम्स 30 डिग्री, 30 डिग्री तो रटा होगा आपको, 7π/6। व्हाट इज 225? इट इज 45 डिग्री इंटू 5, तो दिस इज साइन ऑफ 5π/4, है ना, क्योंकि पाई बाय फोर 45 होता है और 45 इंटू 5 है। व्हाट इज 240 डिग्री? इट इज 4 टाइम 60, तो 4π/3, एंड दिस इज व्हाट? साइन ऑफ 3π/2। अब साइन पाई की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या थी? 0। अब मैं इनमें से कोई एक निकाल देता हूँ, सिमिलरली आप सबके निकाले ना। मैं साइन 210 निकाल लेता हूँ। याद होगा आपको साइन 210 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 210 को लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बताओ 180 में प्लस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड। थर्ड में साइन होता है नेगेटिव एंड 180 इज हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज, साइन 30 डिग्री। सो आंसर क्या आएगा? -2। आई गेस यू ऑल रिमेंबर दिस। तो इसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2, क्योंकि साइन 120 इज साइन 7π/6। तो इसी तरह आप सारे निकाल लेना और आप एक सिमेट्री देखोगे कि वही एग्जैक्टली वैल्यूज आ जाएंगी जिनके लिए साइन फेमस है, 0, हाफ, माइनस। पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है इसलिए सारे नेगेटिव आए। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जब एक्स की वैल्यू पाई से बढ़कर 3π/2 जाती है, पाई से बढ़कर 3π/2 जाती है, तो जो वाई की वैल्यू वो घट रही है, बताओ वो घट के 0 से कहां पहुंच गई? -1। तो इस चीज को हम ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे? ये 1 है, यहां कहीं होगा -1, दिस इज π/2, है ना, तो दिस इज योर 3π/2। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ यूं घटेगा और ये गिर के -1 तक आ जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट हियर। सो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट हियर, this was your second quadrant and this was your first quadrant। आप देख सकते हो कोई सी भी वैल्यू ले लो, जैसे 7π/6 लोगे तो 7π/6 would be somewhere here और इसके पे corresponding value half हो जाएगी, almost -2, है ना। so this is how it has gone।
क्या देखते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसा हमें उम्मीद थी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज नेगेटिव आनी थी, नेगेटिव आ गई। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव था क्योंकि ग्राफ ऊपर है, तो वाई की वैल्यूज पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज नेगेटिव आ गई जैसे हमें उम्मीद थी। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वापस से नेगेटिव। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको मालूम है अब ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाना है क्योंकि वापस 360 डिग्री आना है, और 360 डिग्री पे वही चीज हो रही होगी जो जीरो पे हो रही होगी। पर लेट अस सी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। सो मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज एंगल्स, है ना, और ये जिनके मैंने निकाले नहीं है वैल्यूज, जैसे 225, 240, 270, अपने नोटबुक में जब आप इसे कॉपी करो तो जरूर निकाल लेना, है ना, पॉज द वीडियो और उस समय आप इन्हें निकाल लेना। सो लेट अस सी द फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है हमारा एक्स, बताओ एक्स कहां से कहां तक जाएगा। एक्स जो है वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जाएगा, मतलब अगेन 90 डिग्री का जंप है फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर वैसे जैसा अभी मैंने कहा था एंगल्स को हमेशा रेडियंस में डिनोट करेंगे, तो ये 3π/2 से 2π तक जाएगा। लेट मी राइट सम एंगल्स। 270 डिग्री, यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट की शुरुआत होती है, 300 डिग्री 30 ऐड कर दिया, 45 ऐड करूँगा तो 315 डिग्री, 60 ऐड करूँगा तो 330 डिग्री, एंड देन 360 डिग्री। सो यू कैन ऑल ऑब्जर्व दीज आर द एंगल्स दैट आर देयर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन सबका साइन निकालते हैं। अब मैं इस बार नहीं निकालने वाला साइन सबके, बिकॉज आई रिमेंबर ईच वन ऑफ देम, बट आप आराम से निकाल सकते हो। साइन 300 कैसे निकालोगे, 270 प्लस 30 करके। 315 कैसे निकालोगे, साइन ऑफ 315, 217 प्लस 45 करके, है ना। अब क्योंकि हमें ये सब रेडियंस में चाहिए, ये तो हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, फॉर ईज ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग वी हैड रिटन इन डिग्रीज। व्हाट इज साइन 270, 3π/2 शुरुआत होनी है ना 3π/2 से, सो 3π/2 साइन। अब बताओ 300 डिग्री क्या होगा, 300 डिग्री या 300 डिग्री, 60 डिग्री का 5 टाइम्स है, तो 5π/3 देन साइन ऑफ, बताओ 315 डिग्री, इट इज 45 × 7, तो दिस इज 7π/4, ठीक है। देन 330 डिग्री, इट इज 11 × 30 डिग्री, इट इज साइन ऑफ 11π/6, एंड आखिरी में 360 इज 2π, ठीक है। नाउ साइन 3π/2 की 270 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितना आई हुई है, -1 दिख रही है, 270 है ना, इस पे वैल्यू कितनी आई है, -1, और बाकी सब आप निकाल लेना एंड यू विल गेट दिस, यू वुड सी द सेम मैग्नीट्यूड्स, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 1 वापस आएंगे, सॉरी ये 0 आएगा। हाँ बताइए क्या ऑब्जर्व करते हो, इसको देखकर बताओ क्या ऑब्जर्व किया आपने। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपने एंगल्स बढ़ाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आपने एंगल्स बढ़ाए वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ रही है, पहले -1 था और -1 से बढ़ बढ़ के वो कहाँ पहुँच गई, 0, तो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वही हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया यहाँ तक 2π, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये ग्राफ वापस से -1 से बढ़कर कहाँ पहुँच गया, 0 तक, तो द वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम -1 से 0, सो दिस इज द ग्राफ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स व्हेन इन आर इफेक्टिव एंगल्स, 0 से लेकर कहां तक, 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में ये साइन एक्स का ग्राफ है। पर क्या सर इस ग्राफ सिर्फ इतना ही है, नहीं, हमने से इफेक्टिव एंगल क्या बनाया, इफेक्टिव एंगल मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री के बाद तक बनाया हमने, के बीच में बनाया। आपको मालूम है 360 डिग्री के बाद क्या हो रहा होगा, 360 डिग्री इज सेम एज राइटिंग 0, तो द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वापस से वही कहानी दोबारा रिपीट होगी। तो जैसे ये यूं गया है उसके आगे वापस से इसी तरह से साइनोसॉइडल कर्व्स बनेंगे। इस ग्राफ के नेचर को, इस ग्राफ के शेप को बोलते हैं साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल नेचर। तो ऐसा ही ग्राफ जाता जाएगा वापस से। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसे, ये तो हमने सिर्फ एक ब्रांच बनाई है, वो भी कहां से कहां तक की, 30 से लेकर 360 डिग्री के बीच में।
अब अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो ये sin x का जो ग्राफ होगा, अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू sin x या फिर y इज इक्वल टू sin x, तो इसका जो ग्राफ होगा, सपोज दिस इज जीरो, मैं यहां पे ये देखो आप, ये मैंने छोटा सा इसका, ये जो मैंने पोर्शन बनाया इसको छोटे से बना दिया, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज व्हाट पाई 180 डिग्री एंड दिस इज जीरो, एंड व्हेन इट 1 पे का ब्रीच कर रहा है पाई बाय 2 पे, और 3 पाई बाय 2 पे उसकी वैल्यू क्या हो रही है माइनस 1 है ना। सो मैं इस तरह से अपने लिए लेवल्स बना देता हूं, ठीक है। सो जीरो साइन की जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ा, मैं वापस से बना रहा हूं, साइन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ा, वन तक पहुंचा, फिर वन पाई बाय टू पे फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, फिर वहां से घट के वापस जीरो पे आया पाई पे, फिर इट वेंट टिल माइनस वन, फिर माइनस वन से वापस टू पाई पे आ गया। पर ग्राफ सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे द सेम कहानी वुड कंटिन्यू लाइक दिस एंड सो ऑन, इधर भी ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन, सेम टू सेम ग्राफ, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग, ये सेम ग्राफ दोबारा रिपीट हो रहा है। अब बताओ इसकी विड्थ कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री की विड्थ थी 2 पाई है ना, और देखो ये क्या है पाई, तो इसका मतलब ये पाई ये 2 पाई, तो ये कितना होगा 3 पाई, ये कितना होगा 4 पाई, ये कितना होगा 5 पाई, और ये कितना होगा 6 पाई, एंड द सेम पैटर्न वुड कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, क्योंकि एंगल तो कितना ही बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, सेम चीज पीछे क्या होगा, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 2 पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई, एंड द सेम पैटर्न वुड कंटिन्यू। आई वुड ऑब्वियसली नॉट ड्रॉ द होल, क्योंकि वो तो बना ही नहीं जा सकता ना, आई कांट गो अप टिल इंफिनिटी, पर इसी तरह का पैटर्न वुड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी एंड हियर टिल माइनस इन्फिनिटी। अब आप क्या देखते हो, आपने देखा कि एक ही पैटर्न, एक ही जैसा जिसको कहते हैं ना, एक ही पैटर्न ग्राफ के अंदर बार बार आ रहा है, यही इसी तरह से पहले वैल्यू जीरो से शुरू होती है, वन तक पहुंचती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस से जीरो पे आती है, इसी तरह का पैटर्न बार बार आ रहा है। जब भी फंक्शन इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा हो बार बार, उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो sin x जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है। नाउ लेट अस राइट सम फ्यू थिंग्स अबाउट दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू sin x। सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x। बताओ इस ग्राफ में x की वैल्यू क्या हो सकती है? x तो एक एंगल है, और x तो कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो x lies from माइनस infinity से लेकर प्लस infinity। Why? क्योंकि x की वैल्यू माइनस infinity से होते हुए कहां तक जा रही है? प्लस infinity तक, ठीक है। अब आता है रेंज, बताओ रेंज क्या हुआ? रेंज क्या होता है? वैल्यूज ऑफ y, बताओ y की वैल्यू कहां से जा रही है? y की वैल्यू माइनस वन से शुरू होती है, देखो यहां तो ग्राफ है ही नहीं, पहली बार y की वैल्यू कहां आती है? माइनस वन पे, और कहां तक जाती है? वन तक, तो देयरफॉर y की वैल्यू होगी माइनस वन से लेकर वन। Now, एक हमने नई चीज सीखी थी कि इस तरह के फंक्शंस जिनमें एक ही जैसा ठप्पा बार बार लग रहा हो, यू कैन सी ना एक पैटर्न है, उसमें ये एक ठप्पा है और ये ठप्पा बार बार लग रहा है, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस की एक पीरियोडिसिटी होती है, क्या होती है? पीरियोडिसिटी। नाउ व्हाट इज पीरियोडिसिटी? एक ठप्पे की लेंथ, बोलो इसकी एक ठप्पे की लेंथ कितनी है? 2 पाई, क्योंकि जीरो से लेकर टू पाई, जो कहानी जीरो से टू पाई हो रही है वही वापस दोहराई जा रही है, फिर वापस दोहराई जा रही है, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। सो इफ आई समराइज, हमने पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो कि एक साइन फंक्शन है उसका ग्राफ बनाया, पहले हमने जीरो से लेकर टू पाई के बीच में बनाया, जीरो से लेकर 360 डिग्री के बनाया, एक एक वैल्यूज, कई सारी वैल्यूज डाली, पांच पांच वैल्यूज, पांच पांच एंगल हर क्वाड्रेंट के अंदर डाले, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स डाले थे हमने? जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और हमने ये बोला कि ग्राफ बनाते समय एंगल्स को हमेशा किस में लिखते हैं? रेडियंस में। उसके बाद फिर हमने एक जब ठप्पा बना लिया तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखा,
क्योंकि x तो कितना ही बड़ा एंगल हो सकता है और कितना छोटा भी हो सकता है। और फिर इस ग्राफ को बनाने के बाद दिस बिकेम द ग्राफ ऑफ साइन x। इसकी शुरुआत जीरो से होती है और इस तरह का साइनोसॉइडल नेचर होता है इसका। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। इसका रेंज क्या है, y बिलोंग्स फ्रॉम -1 टू 1। और इसका पीरियड क्या है, 2π। सो मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई गेस आप सबने अब नोट बना लिया होगा इसका। लेट अस सी अब साइन एक्स के इस ग्राफ को, तो बेसिक ग्राफ हो गया साइन एक्स का। अब हम क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, अगली बार से कोई आपसे बोले कि साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए अगली बार से जस्ट होल्ड ऑन, अगली बार से कोई तुमसे कहे कि साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए, या वाई इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए, अब हम पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम एक ठप्पा या उसका एक पैटर्न, इसको लूप भी कहते हैं, है ना, जो कि कहां से कहां तक फैला है, जीरो से लेकर टू पाई तक फैला है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। क्या ग्राफ से 0 से 2 पाई नहीं, इट वुड कंटिन्यू लाइक दिस, तो बस ऐसा बना के छोड़ दूंगा मैं, आई वुड नॉट बी ड्रॉइंग द फुल ग्राफ अगेन एंड अगेन, है ना। और इसी में थोड़ी डिटेलिंग बता दूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब रीच हुई, π/2 पे, π/2 मतलब 90 डिग्री। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां रीच करी, -1, कहां पे, 3π/2 व्हिच इज 270 डिग्री। सो आई वुड जस्ट ड्रॉ दिस मच ग्राफ, आई वुड नॉट बी ड्रॉइंग द होल ग्राफ अगेन एंड अगेन। और इसके अंदर हमको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, देन दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट 0 से π, देन दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट π से लेकर 3π/2, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कुछ इसके अंदर चेंजेस करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब मुझे बताइए, ये जो साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा, इसमें वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या थी, -1। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता था, और इसकी हमने पीरियोडिसिटी क्या देखी, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, एंड व्हाट इज इट्स पीरियड, अगली बार जो पीरियड लिखे, व्हाट इज इट्स पीरियड, 2π, क्योंकि जैसा ग्राफ 0 से 2π के बीच में है वही डिजाइन बार बार बनेगी। नाउ लेट अस कम टू सम ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो मैं तुमसे कहूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2 sin x, सो आप देख सकते हो इस वाले ग्राफ में और उस वाले ग्राफ में क्या अंतर है, यहां पे sin x का कोएफिशिएंट 1 है जबकि वहां पे sin x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। नाउ 4c, इस 2 के लगने से, इस 2 के लगने से ग्राफ में क्या अंतर पड़ेगा। सो हो सकता है अभी तक आप कई लोगों ने जज कर लिया होगा sin x का जो नेचर है वो तो चेंज होने से रहा, पर क्योंकि आपने उसके आगे 2 लगा दिया है तो हर मोमेंट पे जो भी sin x की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी वहां पर, और 2 टाइम्स होने के कारण हर चीज दो गुना ऊपर चली जाएगी या दो गुना नीचे चली जाएगी। इस कारण से अगर ये y = sin x का ग्राफ है और मैं अब y = 2 sin x का ग्राफ बनाने वाला हूं, इसका और इसका ग्राफ नेचर में या शेप में तो एकदम एक जैसा ही होगा, पर इस sin x की वैल्यू 1 थी, 2 sin x का ग्राफ में रेड पेन से बनाने वाला हूं, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पे y वुड लाई बिटवीन, देखो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 into 2, तो sin x वुड लाई बिटवीन, मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -2, मतलब sin x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये 1 था, यहां कहीं 2 होगा, ये -1 है, ये -2 होगा, तो ध्यान से देखना 2 लगने से क्या हुआ, द शेप वुड रिमेन द सेम बट इसकी जो मैक्सिमा है और इसका मिनिमा है वो चेंज हो गए। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है आप देखते तो अभी भी मैक्सिमम π/2 पे ही है और मिनिमम 3π/2 पे है, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब 2, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2। सो बताइए इसका, ये इसका रेंज हो गया, है ना, इस रेंज के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, ऐसे भी पूछा आता है y max क्या होगा, y max 2 होगा और y min क्या होगा, -2, which is easy, but can you observe the transformation that has happened, the transformation is due to a coefficient that is added to sin x जो कि इस एग्जांपल में 2 है। तो बताओ इसकी हाइट 2 गुना हो गई और इसकी डेप्थ भी 2 गुना हो गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2। अच्छा बताओ इसके डोमेन का क्या हुआ x के बारे में,
सर ग्राफ तो अभी भी पूरे में फैला होगा, तो इसका डोमेन रिमेन्स द सेम। और वैसे भी एंगल तो कुछ भी हो सकता ना, द इनपुट कैन बी एनीथिंग। लेट अस टॉक अबाउट इट्स पीरियड। क्या ये अभी भी पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ। और क्या यही डिजाइन बार बार बनेगी? हाँ। एक ठप्पे में चेंज आ गया है, वही ठप्पा बार बार लगेगा, तो अभी भी इसका पीरियड 2 पाई है। तो देयर हैज बीन नो चेंज इन डोमेन एंड देयर इज नो चेंज इन द पीरियड व्हेन अ कोएफिशिएंट इज एडेड टू sin x। मेक अ नोट ऑफ इट। बताओ इस 2 के जगह 3 होता तो क्या होता? 2 के जगह 3 होता तो ये 3 गुना ऊपर और 3 गुना नीचे। सो आप क्या रियलाइज करते हो? व्हेनेवर यू ऐड अ कोएफिशिएंट टू sin x, sin x आगे कोई कोएफिशिएंट लगाते हो तो हाइट उतने गुना ऊपर और उतने गुना नीचे हो जाती है। इज दैट क्लियर? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इस बार मैं चेंज कर देता हूं, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है। इस बार sin x का ग्राफ तो वापस से बना देता हूं। मैं बार बार उसी पे इसलिए बना रहा हूं सो दैट वी कैन रियलाइज इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो sin x का ग्राफ ऐसा है, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2 पाई। ये sin x का ग्राफ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। और फिर इट वुड कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैं sin x का ग्राफ नहीं बनाना, तुम्हें एक नया फंक्शन दे दिया गया और उस नया फंक्शन का नाम है y = fx ना लिखकर gx लिख देता हूं। भाई fx ही है तो gx है, या फिर -sin x। अब आपको टारगेट दिया गया कि आप y = -sin x का ग्राफ बनाओ। बताइए क्या y = -sin x का ग्राफ बना सकते हो? सर sin तो सेम है, sin x मतलब जो DNA है ग्राफ का वो तो sin का ग्राफ है, sinusoidal तो हो गई। अब बताओ इस माइनस साइन का क्या इफेक्ट होगा? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस माइनस साइन दैट इज प्लेस्ड हियर? ये माइनस नहीं है, -1 है एक तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके से sin x का कोएफिशिएंट -1 है। बताइए इस माइनस साइन से क्या चेंज होगा? सो आई गेस आप लोगों ने सोच लिया होगा, माइनस होने के कारण क्या हो रहा है? जहां जहां ये 1 हो रहा है, ये जहां जहां ये पॉजिटिव है वहां वहां वो नेगेटिव होगा, और जहां जहां ये नेगेटिव है वहां पे वो क्या होगा? पॉजिटिव। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इससे तो ग्राफ ऊपर है साइन, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है इससे तो ग्राफ नीचे है, पर वहां उल्टा हो जाएगा। देयरफॉर ये ऊपर ना जाकर जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं अब माइनस साइन एक्स का रेडियो बना रहा हूं, इसका ग्राफ ऐसा होगा। अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये जो मैंने रेडियो बनाया ये y = -sin x का ग्राफ बनाया, और ये जो ब्लैक में मैंने बनाया था ये तो हमारा ओरिजिनल चल रहा है y = sin x। कैन यू फोर्सी व्हाट हैज हैपेंड? जैसे ही आपने माइनस साइन लगाया तो जो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो जो नेगेटिव था वो क्या हो गया? पॉजिटिव। इफ आई इरेज द sin x ग्राफ नाउ, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y = -sin x। बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो इसका मतलब y जो कि रेंज है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? अगेन ग्राफ तो पूरे में फैला होगा, मैंने तो सिर्फ एक ठप्पा या एक पैटर्न बनाया इसका, ये एक लूप बनाया। सो देयरफॉर अभी भी x बिलोंग्स टू r। और व्हाट इज द पीरियड? आप देख सकते हो डिजाइन, जो डिजाइन थी उसमें चेंज आ गया, अभी नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रहा है, पर तभी भी इसकी विड्थ तो अभी भी वही रही 2 पाई, और यही बार बार बनेगी, तो इसका पीरियड रहा 2 पाई। याद है ना पीरियड का मतलब क्या होता है? जो सिंगल लूप या सिंगल पैटर्न की डिजाइन होती है जिसे पूरी डिजाइन बन सकती है, वो जो सिंगल यूनिट होती है उसकी विड्थ। इज इट क्लियर? सो लेट अस टेक अ लास्ट एग्जांपल, और हम फिर इसको जनरलाइज कर देंगे इस कंसेप्ट को। याद है ना मैं थोड़ा लेक्चर में यहां पर तेजी से मिटा देता हूं, पर आप लोग पॉज कर सकते कर लेना और पूरे पूरे लेक्चर की नोट जरूर बनाना। अब मान लो मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू -3 sin x का ग्राफ बनाए। ठीक, बताइए यहां भी sin x है, यहां भी sin x है, द डीएनए ऑफ द ग्राफ डिड नॉट चेंज, अभी भी sin का ग्राफ ही होगा। बट व्हाट हैज चेंज?
a coefficient of minus 3 has come, a coefficient of minus 3 has come before sin x, iska kya effect hoga? To pehle main wapas se sin x ka graph banata hu, ye sin x ka graph yaad rakhna, thoda flat hota hai graph, kyun hota hai uska reason batata hu, pi ki value 3.14 to 3 guna hoga aur ye 1 guna hoga sirf, so it's a flat graph, theek hai, ye jo maine graph banaya ye kiska graph banaya, sin x ka. अब रेड से मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू माइनस थ्री साइन एक्स का. अब देखो माइनस थ्री का इफेक्ट क्या हुआ. हाँ सभी लोग सही सोच रहे हैं, माइनस थ्री का इफेक्ट माइनस होने के कारण जहां जहां पॉजिटिव वहां वहां नेगेटिव होगा, और जहां जहां साइन एक्स नेगेटिव था वहां वो पॉजिटिव होगा, और थ्री के कारण इसकी हाइट और डेप्थ तीन गुना नीचे और तीन गुना ऊपर हो जाएगी, तो इसका ग्राफ बनेगा यू. ये वन है तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस टू होगा, ये कहीं माइनस थ्री होगा. And the same would happen here also. This would be 3. तो इसका ग्राफ नहीं जाएगा. ऊपर से शुरुआत में होने के बजाय नीचे से शुरू होगा. और अब मैं sin x के ग्राफ को मिटा रहा हूं. Sin x का ग्राफ जस्ट फॉर माई रेफरेंस था, थोड़ा हल्का करता हूं. जो डॉटेड में आपको हल्का हल्का दिख रहा है वो sin x का ग्राफ था. दिस इज द ग्राफ ऑफ वॉट y इज टू माइनस थ्री sin x. Let me raise this fully now. बताओ इसकी maximum minimum value pi by 2 पे इसकी minimum value हो रही है minus 3. This is minus 3. और 3 pi by 2 पे इसकी maximum value हो रही है 270 degree पे, which is 3. और क्या ग्राफ आगे भी जाएगा? हाँ, ये इसका एक सिंगल ठप्पा हो जाएगा, सिंगल डिजाइन हो जाएगी. बताओ ये डिजाइन कहां से कहां तक है? द सिंगल यूनिट 2 pi तक. इज इट क्लियर? सो बताइए वॉट इज डोमेन. डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स. तो एक्स तो इनपुट तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्राफ तो पूरा फैला हुआ है. तो एक्स बिलोंग्स टू आर. व्हाट अबाउट इट्स रेंज? रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई. मतलब वाई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? वाई की वैल्यू माइनस थ्री शुरू हो रही है, और मैक्सिमम कहां तक जा रही है? थ्री तक. तो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस थ्री से थ्री. एंड व्हाट अबाउट इट्स पीरियड? द सिंगल यूनिट या ठप्पा के डिजाइन में जो एक सिंगल ठप्पा है वो तो 2 पाई का ही है, तो द पीरियड इज 2 पाई अगेन. सो ये बहुत बड़ी चीज हो रही है. जब भी आप साइन एक्स के आगे कोएफिशिएंट लगाते हो, पीरियड और डोमेन में कोई चेंज नहीं आता. चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? रेंज में. तो लेट अस नाउ समराइज दिस. है ना, साइन एक्स के ग्राफ को तो हमेशा अपने सामने रखना ही है, क्योंकि यही हमारा बेस ग्राफ है. उससे हम बाकी ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि क्या आने वाले हैं. इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. है ना, यू कैन फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स इन योर आर डी शर्मा ऑल्सो, एंड यू कैन बाय एनी वन ऑफ द बुक्स. देयर इज अ वेरी गुड बुक जिसका नाम है प्लेइंग विद ग्राफ्स, अरिहंत की. उससे भी आप इस चीज को देख सकते हो. सो लेट मी समराइज दिस कंसेप्ट दैट आई हैव टॉट यू जस्ट. कंसेप्ट क्या है? वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स. एवरीबडी नोज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. है ना, साइन एक्स का एक यूनिट बनाते हैं सिर्फ. अब याद रहना सिर्फ इतना नहीं होता, इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन. ये वन है और ये क्या है? माइनस वन. यहां पे वैल्यू क्या है? जीरो. और यहां क्या है? पाई. एंड दिस इज टू पाई. मैक्सिमम इज पाई बाय टू, मिनिमम इज थ्री पाई बाय टू. द ओनली रीजन आई एम ड्रॉइंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट इट गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड कि साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है जीरो से टू पाई के बीच में. अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? देयर इज एन एडिशनल कोएफिशिएंट दैट हैज बीन एडिंग. यहां पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट वन है, जबकि यहां पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? ए. तो हमने क्या देखा? कभी भी साइन एक्स के आगे अगर कोई कोएफिशिएंट लगता है तो वो कोएफिशिएंट उसके डोमेन को चेंज नहीं करता, तो डोमेन रिमेन्स द सेम. वो उसके पीरियड को नहीं चेंज करता, पीरियड रिमेन्स टू पाई. हां, पर वो उसके रेंज को जरूर इफेक्ट करेगा. और रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? माइनस ए से लेकर प्लस ए, माइनस ए से लेकर प्लस ए. और ग्राफ में क्या चेंज होगा? अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ वैसे ही रहेगा, लेकिन उसकी हाइट और उसकी डेप्थ उतनी नीचे ऊपर और नीचे हो जाएगी. जबकि माइनस ए होगा तो पहले नीचे शुरू होगा फिर वो ऊपर जाएगा. सो वी हैव सीन दिस कंसेप्ट. लेट अस कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लिया है. अब मैं यहां पे बना रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. याद है ना, साइन एक्स में हम सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं. रीजन बीइंग, ये साइन एक्स का जो ग्राफ है उसमें जो जो चीजें आप सीख रहे हो
द सेम कॉन्सेप्ट वुड बी एप्लीकेबल इन कॉस टैन एवरीवेयर. तो उनको हम तेजी से कर लेंगे. तो साइनस का ग्राफ की डिजाइन द साइनसॉइडल कर्व मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1. वी आर ओनली ड्रॉइंग द ग्राफ इन द इफेक्टिव एंड फॉर इफेक्टिव एंगल्स 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में. और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसके पहले सेम टाइप ऑफ डिजाइन वुड कंटिन्यू विच आई एम नॉट ड्रॉइंग. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस इज 3π/2. नाउ इससे पहले हमने देखा कि साइन एक्स के आगे कोएफिशिएंट लगाने से क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. सपोज मुझे साइन एक्स का ग्राफ मालूम है पर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाओ. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यहां पर जो 2 है वो साइन एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो इसका क्या इफेक्ट होगा, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए वुड रिमेन द सेम. अभी भी ये साइन फंक्शन है, वो भी साइन फंक्शन था, तो द डीएनए वुड रिमेन द सेम. ग्राफ का नेचर ऐसे होगा साइनोसॉइडल. बट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस 2 दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. सो दिस 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ना कि साइन एक्स. इस 2 से क्या होगा, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि इस 2 से द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन वुड चेंज, पीरियड चेंज होगा. बताऊंगा कैसे, द पीरियड ऑफ द फंक्शन वुड चेंज. पर अभी आप देख सकते हो साइन ऑफ एन एंगल है, अगर मैं इस 2x को छुपा दूं तो ये साइन ऑफ एन एंगल है, और साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 1 रहेगी, और साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू अभी भी कितनी होगी, -1. पर इस 2 का क्या इफेक्ट है, तो वी हैव टू एनालाइज दैट. तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं. मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है. आप रोज सुबह एक पीरियोडिक चीज करते हैं, रोज सुबह उठ के, चाहे संडे हो तब भी करते. क्या करते, घर से निकलते, घूमते घूमते स्कूल पहुंचते 3 घंटे में, स्कूल नहीं आना. तो आपने वो मूवी देखी होगी ना, तारे जमीन पे टाइप, वैसे आप बच्चे हो, आप घूमते घामते जा रहे हो, 3 घंटे लगा के आपने स्कूल गए, स्कूल के गेट को टच किया और फिर घूमते घामते वापस आ गए. वापस ये काम करने में आपको 3 घंटे लगे. तो बताओ घर से निकलकर वापस घर आने में आपको कितना टाइम लगा, 6 आवर्स. एंड ये आप रोज करते हो, इसका मतलब क्या है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक चीज जो आप रोज कर रहे हो, और इसका पीरियड कितना है, 6 आवर्स. अब क्या हुआ, अब मान लो ये हुआ कि आपके घर वालों ने आपको साइकिल ला के दे दी. जैसे आपकी साइकिल आपको मिली तो क्या होगा, क्या आप स्कूल जाना चालू कर दोगे, नहीं, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. मान लो पहले आप x स्पीड से चलते थे, x स्पीड से, और साइकिल मिलने के कारण आपकी स्पीड 2x हो जाएगी. और यू कैन वेरी ऑब्जर्व द सिमिलैरिटी हियर, द फर्स्ट द एंगल वाज x और अब एंगल हो गया 2x, रफ्तार डबल हो गई, एंगल की रफ्तार डबल हो गई. पहले एंगल x था और अब एंगल कितना हो गया, 2x. द एंगल इज स्टार्टेड टू चेंज एट ट्वाइस द वेलोसिटी टाइप, है ना. तो पहले x, पहले आपकी कोई जब वॉक करते थे तो आपकी कोई स्पीड थी, अब साइकिल मिलने के बाद आपकी स्पीड डबल हो गई. तो क्या होगा, काम तो आप वही करोगे, पर पहले जिस काम करने में आपको 3 घंटे लगते थे, अब उस काम करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा. तो 1.5 घंटा स्कूल जाने में, 1.5 घंटा वापस स्कूल से आने में, तो आपको जो नया पीरियड होगा वो 3 आवर्स होगा. सो ये आपका पुराना पीरियड था एंड दिस इज नाउ योर न्यू पीरियड. Why has the period changed? Because the speed at which you were cycling या you were moving has changed. तो बताओ पहले 6 घंटे में आप एक चक्कर लगाते थे, अब 3 घंटे में एक चक्कर लगाते हो, तो क्या 3 घंटे बाद आप घर आ जाओगे, नहीं. आप क्या करोगे, जितनी देर में पहले आप एक साइकिल एक पूरा चक्कर पूरा करते थे, क्योंकि अब आधे टाइम में हो रहा है, तो अब उतनी देर में आप 2 चक्कर पूरे कर लोगे. मतलब आप 6 घंटे में क्या करोगे, पहले जाओगे फिर वापस आओगे फिर जाओगे फिर वापस आओगे. तो एक तरीके पहले की कहानी और अपनी कहानी में क्या डिफरेंस होगा, कि जितनी देर में आप पहले एक लूप पूरा करते थे, अब 2-2 लूप पूरे होंगे, क्योंकि पीरियड अब आधा हो गया. सो इस सिमिलैरिटी को लेट अस यूज इन दिस ग्राफ. यू कैन वेरी वेल सी पहला एंगल x था, अब एंगल हो गया 2x. नेचर तो वही है, डीएनए हैज नॉट चेंज, साइन का ही ग्राफ है. पर एंगल की रफ्तार डबल होने से अब क्या होगा, एंगल की रफ्तार डबल होने से पीरियड में चेंज आ जाएगा. And what would that be? So, मैं वापस से साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं. दिस इज साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज π/2,
दिस इज पाई, दिस इज योर 3π/2 एंड दिस इज योर 2π. ठीक है, अब बताएं क्या होगा. अभी इसका पीरियड है, साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स दैट आई हैव ड्रॉन. अब मैं रेड पेन से साइन 2x का ग्राफ बनाने वाला हूं इसी के ऊपर, सो दैट वी कैन एनालाइज कि क्या हो रहा है. सो ध्यान सुनना, इसका पीरियड साइन एक्स का पीरियड था ये, साइन एक्स का पीरियड अभी भी 2π है. जितनी देर में ये एक साइकिल पूरा कर रहा है, डबल रफ्तार होने से उतनी ही देर में अब दो साइकिल पूरा करेगा, क्योंकि अब इसका पीरियड 2π नहीं होगा. इसका पीरियड कितना था? 2π. और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? नया पाए. इट्स द सेम सिमिलैरिटी. पहले x रफ्तार से चल रहे थे आप, अब 2x रफ्तार से चल रहे हो, अब साइकिल मिल गई है. तो डबल रफ्तार में जो पीरियड था आधा हो गया. जैसे हमने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें पहले पीरियड 6 आवर्स था, फिर 3 आवर्स हो गया. मतलब अब इसका लूप पाए में पूरा हो जाएगा. तो देखो क्या होगा, पाए में कैसे पूरा होगा. यू कैन लुक क्लोजली व्हाट हैज हैपेंड. पहले इसको एक लूप पूरा करने में 2π लग रहा था, अब इसको वही लूप पूरा करने में पाए लग रहा है. पीरियड आधा हो गया. एवरीथिंग हैज बीन स्क्वीज्ड बाय हाफ. इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण पूरा पूरा जो इसका पैटर्न है वो आधा स्क्वीज हो गया. जल्दी हो गया ना. और इसके बाद अगर आप एनालॉजी ड्रॉ करो, तो जितनी देर में ये पहले एक साइकिल पूरा कर रहा था, उतनी देर में अब ये 2 साइकिल पूरा कर रहा होगा. पर पीरियड तो अभी भी, पीरियड तो इसका आधा हो गया. दिस इज इट्स 1 ठप्पा. पर ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? पहले साइन एक्स, ये किसका ग्राफ है? वाई इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है. पहले जहां साइन एक्स एक पैटर्न पूरा करता था 2π में, अब उतनी देर में साइन 2x 2 पैटर्न पूरे कर लेते हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड? द पीरियड हैज चेंज्ड. सो व्हाट इफ अगर मैं एक्स, यहां पे तो एक्स है, यहां पे हाफ एक्स लिखता, हाफ एक्स, 2x का क्या होता? हाफ एक्स. तो हाफ एक्स का मतलब पहले रफ्तार एक्स थी, अब आधी हो गई. तो आधे होने से क्या होगा? अगर उस कहानी को याद करें तो पहले 6 घंटे लग रहे थे, मान लो आप रफ्तार अपनी आधी करते हो तो 12 घंटे लगेगा ना. उसी तरह से पहले अगर पीरियड 2π था, अब कितना हो जाएगा? 4π, डबल हो जाएगा. तो आई विल जस्ट गिव यू अ डायरेक्ट फॉर्मुला फॉर इट, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि अगर x का कोएफिशिएंट आप चेंज करते हो, द पीरियड चेंजेस. सो व्हाट अबाउट द डोमेन? डोमेन तो अभी भी इसका x ही है. डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x. x तो अभी भी ऑल रियल नंबर्स होगा. एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? वो भी सेम रहा. सो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x चेंजेस? द पीरियड. है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मेक ए नोट ऑफ इट. उस एग्जांपल को ड्रॉ करने से पहले या पूछने से पहले मैं जनरलाइज कर देता हूं. मान लो आपके पास एक फंक्शन है नया fx, y लिख सकते हो, fx लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो, साइन ऑफ bx. तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके अनुसार क्या होगा? यहां पे एंगल x है, अब एंगल क्या है? bx. तो x की रफ्तार, एंगल की रफ्तार b टाइम्स बढ़ गई. तो व्हाट वुड हैपन? x के कोएफिशिएंट के कारण द पीरियड वुड चेंज एंड द न्यू पीरियड वुड बी 2π ओरिजिनल पीरियड था बाय b. जैसे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2x था तो 2π/2 पाई हो गया था पीरियड, है ना. सो लेट अस सी. मान लो मैं आपसे कहूं ड्रॉ मी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन ऑफ 1/2x. ठीक है, अब क्या होगा? आई एम इरेजिंग दिस. अब देखते हैं क्या होगा. बताओ पहले एंगल की रफ्तार क्या थी? x, ये हाफ है. तो बताओ होगा क्या? द पीरियड वुड चेंज एंड द पीरियड वुड बिकम 2π. व्हाट इज x का कोएफिशिएंट? हाफ. तो हाफ से डिवाइड करो, इट इज 4π. सर ग्राफ बना के दिखाओ इसका. सिंपल है, पहले साइन एक्स का बना देते हैं सो दैट वी कैन कंपेयर कि एग्जैक्टली हुआ क्या. ये साइन एक्स का पीरियड है, इसका पीरियड है 0π/2π, है ना. तो ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसका पीरियड है 2π, है ना. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1.
यहाँ होगा 3 पाई और यहाँ होगा 4 पाई. यार ना, वी आर नॉट ड्राइंग बाय स्केल, सो अ बिट ऑफ एरर कैन सर्टेनली हैपन, बिकॉज हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं एक तरीके से, ऑलमोस्ट रफ बनाते हैं. अब इसका ग्राफ बनाता हूँ रेड से. एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ हाफ एक्स, क्या हमने देखा, इसका पीरियड हो गया 4 पाई, जबकि इसका पीरियड क्या था 2 पाई. मतलब इसका एक साइकिल जो जिसका शेप ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, यही होगा ऑलमोस्ट, पर इसका जो पीरियड है 4 पाई है, मतलब इसका एक पूरा साइकिल 4 पाई है पूरा होगा. तो इसका ग्राफ देखना कैसे होगा, you can observe this, कि क्या हुआ, जो मैंने काले बनाया पहले ब्लैक में, ये साइनस का ग्राफ है, और जो रेड है ऑब्वियसली इसके बाद वही कहानी रिपीट होगी. ये जो मैंने रेड में बनाया, दिस इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाफ एक्स. वॉट यू ऑब्जर्व, कि पीरियड डबल हो गया, और वो होना ही था, क्योंकि एंगल की रफ्तार आधी होगी तो पीरियड डबल हो जाएगा. जो काम पहले करने में आपको 2 पाई टाइम लग रहा था, अब उसको काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 4 पाई, है ना. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर, कि साइन एक्स के आगे अगर कोई कोएफिशिएंट लगता है तो उसकी हाइट और डेप्थ चेंज हो जाती है, और अगर एक्स के आगे कोई कोएफिशिएंट लगता है तो साइन एक्स के ग्राफ का पीरियड चेंज हो जाता है ना. तो आई विल समराइज बोथ दीज टू कॉन्सेप्ट. सो द टू कॉन्सेप्ट्स आर, अगर मेरे पास एक फंक्शन है ए साइन बी एक्स, सो अब मैं पहले बिना ग्राफ बनाए मेरी आदत होनी चाहिए, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इनपुट तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एंगल तो कितना ही बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है. व्हाट अबाउट द रेंज, हु अफेक्ट्स द रेंज, साइन एक्स का कोएफिशिएंट ए, साइन ऑफ एन एंगल इन टू ए है, तो ये ए टाइम्स ऊपर और ए टाइम्स नीचे हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू होगी माइनस ए से ए, ठीक है. हु अफेक्ट्स द पीरियड, द कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बताओ पीरियड क्या होगा, जितने टाइम्स एक्स की रफ्तार बढ़ेगी उतने टाइम्स पीरियड कम होगा, तो पीरियड होगा 2 पाई बाय बी. सो आपको हर एक की लोकेशन पता होना चाहिए, ए चेंजेस द रेंज एंड बी चेंजेस द पीरियड. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, यार जितने एग्जांपल आप करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगता जाएगा. लेट इट बी से 3x, 4x कर लेते. सो आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3 साइन ऑफ 4x. सो लेट अस सी कैसे करेंगे. बताओ यहां पर वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3, यार ना नेगेटिव है, नेगेटिव से क्या करना है, नेगेटिव का क्या इफेक्ट होगा हम जानते हैं. नेगेटिव में पहले नीचे शुरुआत होगा, साइन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, 3 गुना और 4. तो मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या क्या मुझे पता है, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो साइन एक्स का ही डोमेन होगा. व्हाट अबाउट इज रेंज, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, माइनस 3 से 3, क्योंकि साइन के आगे माइनस 3 लगा हुआ, तो 3 गुना ऊपर और 3 गुना नीचे. एंड व्हाट अबाउट इट्स पीरियड, इट वुड बी 2 पाई डिवाइड बाय 4 विच इज पाई बाय 2, ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, मैं अब सीधा अब साइन एक्स का ग्राफ ही बनाऊंगा, सीधा माइनस 3 साइन 4x का ग्राफ ही बनाऊंगा. पीरियड आपको मालूम है पाई बाय 2 है, तो ये 0 है, मान लो यहाँ पाई बाय 2 है, तो ये 0 है, पाई बाय 2 है ना, यहाँ बीच में होगा पाई बाय 4. आपको मालूम है एक साइकिल इतने में पूरा होना है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, पहले 1 है मान लो, ये 2 है, ये 3 है मान लो, और ये 3 है, तो ये माइनस 3 है. अब बताएं ये साइन का हमने एक्सट्रीम बना दिया, वाई की वैल्यू का एक्सट्रीम और वाई की वैल्यू का सबसे नीचे वाला एक्सट्रीम है ना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट.
मतलब ग्राफ की शुरुआत यू होगी कि नीचे से होगी, क्योंकि माइनस थ्री है तो नीचे शुरू होगा। यू कैन सी पहले साइन एक्स का ग्राफ, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, यू कैन नोट इट डाउन, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस थ्री है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस थ्री है, इसका पीरियड पाई बाई टू है ना, एंड दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट फॉर दिस। अब अगर मैं अब इस पर ओरिजिनल हमारा जो बेसिक ग्राफ है वो ओवरलैप करवाऊँ वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो ये पाई बाई टू है, ये पाई होगा, ये थ्री पाई बाई टू होगा, और ये टू पाई होगा। पहले जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा होता, ये किसका ग्राफ था, सॉरी इसका भी नहीं, वन पे, और मेरे वाले माइनस वन पे, इसका ग्राफ पहले ऐसा होता। आपने पहले इसका ग्राफ नोट कर लिया होगा, अब देखना क्या हो रहा है। पाई बाय टू पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर नीचे, फिर यूं, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो इस साइन एक्स के ग्राफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए। पहले इसमें फोर के इफेक्ट को देखते हैं। इसके अंदर तुमने फोर इंट्रोड्यूस किया, एक्स के आगे फोर इंट्रोड्यूस किया, फोर के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ, जो काम टू पाई में हो रहा था वो वन फोर्थ में हो गया। तो देखो तो होल ग्राफ है स्क्वीज्ड बाय वन फोर्थ, पहले पीरियड टू पाई था, अब पीरियड पाई बाय टू हो गया, ठीक है। उसके बाद इस थ्री का इफेक्ट देखते हैं, माइनस का इफेक्ट देखते हैं, माइनस का। पहले ग्राफ ऊपर जाता था, इसमें पहले ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि माइनस के कारण जहां जहां पॉजिटिव था वहां वहां नेगेटिव हो गया। एंड फाइनली थ्री का इफेक्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू थ्री और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, माइनस थ्री। तो इसलिए एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन हियर हैज बीन जस्टिफाइड, इज दैट क्लियर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ मॉडुलस, है ना। आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। सबको पता है मॉडुलस का क्या इफेक्ट होता है, मॉडुलस चीजों को पॉजिटिव बना देता है। वापस से आते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये हो रहा है, बार बार बना रहे हैं, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर टू पाई, मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, ये हो गया पाई बाय टू और ये क्या हो गया थ्री पाई बाय टू, वो साइन एक्स का ग्राफ है। नाउ समबडी टेल्स मी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, इस मॉड साइन एक्स का क्या इफेक्ट होगा, मॉड चीजों को पॉजिटिव बना देता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन वैसे ही पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई काम नहीं होगा, पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो मॉड उनको भी पॉजिटिव बना देगा, तो उनका ग्राफ नीचे के बजाय कहां बनेगा, ऊपर। तो लेट अस सी, वापस से मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा। तो पहले मैं ब्लैक से साइन एक्स का ग्राफ वापस से बना देता हूं, दिस इज साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई, द मैक्सिमम वैल्यू इज वन एंड द मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। अब मैं बनाने वाला हूं इसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए मॉड साइन एक्स का ग्राफ, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ मैं रेड से बना रहा हूं, ये तो वही का वही रहेगा, बीच में पाई बाय टू है, नथिंग वुड चेंज, पर जो नेगेटिव है वो मॉड होने के कारण वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल गेट, इनफैक्ट इसके आगे भी ऐसी कहानी चलती रहेगी। अब बताओ क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ सेम चीज बार बार हो रही है, इट्स ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले इस फंक्शन का हम डोमेन लिखते हैं, बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हर जगह फैला हुआ, पीछे भी तो ऐसे ही होगा ग्राफ, x बिलोंग्स टू r, बताओ इसका रेंज क्या होगा, रेंज बताओ, रेंज में हम देखते हैं कि y की वैल्यू कहां से जा रही, ये सब तो मिट गया, अब सब ऊपर आ गया, बताओ यहां तो नेगेटिव तो है ही नहीं, y की वैल्यू शुरू कहां से होती है, जीरो तक, और मैक्सिमम कहां जाती है, वन तक। सो देयरफॉर y वुड बी एन एलिमेंट ऑफ जीरो से लेकर वन, एंड सबसे बड़ी चीज इसके पीरियड में, तो देयर आर
मॉड के कारण पहले तो साइन रेंज में चेंज आया और पीरियड में भी चेंज आया। क्या अब इसका पीरियड 2π रहेगा उसकी जैसा? नहीं, क्योंकि अब सिर्फ इसका पैटर्न इतने से काम चल जाएगा, ये इसका बेसिक पैटर्न हो जाएगा और इसकी विड्थ कितनी है? पाई। 2π की जरूरत ही नहीं है, अब तो बेसिक पैटर्न यही हो गया ना। सो देयरफॉर द पीरियड हैज बिकम हाफ। तो हमें याद होना चाहिए मॉड साइन का पीरियड होता है पाई। व्हाट इज मॉड साइन का पीरियड? पाई। एक हैशटैग लिख लो, जो मॉड ने क्या है वही इफेक्ट साइन स्क्वायर एक्स भी करेगा, स्क्वायरिंग भी वही ग्राफ करेगा, स्क्वायरिंग का भी वही इफेक्ट होगा। तो वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ या साइन एक्स के होल स्क्वायर का ग्राफ भी वैसे ही होगा जैसा मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। फॉर द टाइमिंग यू शुड रिमेंबर दिस, साइन स्क्वायर एक्स के भी डोमेन यही होगा, रेंज भी यही होगा, पीरियड भी होगा, क्योंकि स्क्वायर भी यही तो करता है ना, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा और जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव रहने देगा। तो फॉर द टाइमिंग यू मेक अ नोट, बाद में किसी और लेक्चर में मैं तुम्हें मॉड और साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में क्या हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ साइन एक्स, एंड यू कुड हैव सीन वी हैव ऑलमोस्ट डिवोटेड 40 टू 45 मिनट्स ऑन जस्ट साइन एक्स के ग्राफ पे। एंड व्हाई हैव वी डन दैट? बिकॉज साइन एक्स के ग्राफ में जो आप चीजें सीखते हो वही आप कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट में लगाते हो। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ देख लिया, अब हम एक साइन एक्स के ग्राफ के थ्रू ही एक और ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले। सो मेक अ नोट, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको समझाने से पहले आप पहले नोट आउट कर लो। अगर ग्राफ में एक्स में प्लस होता है तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, एक्स में माइनस होता है तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाता है। अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट मेक अ नोट, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। वाई में प्लस होता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है और वाई में माइनस होता है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। याद है ना, जो भी आप सोच रहे हो उसका उल्टा होता है। जैसे एक्स में प्लस करते हो तो आपको लगना चाहिए राइट में जाना चाहिए पर लेफ्ट में जाता है, एक्स में माइनस होता है तो ग्राफ राइट में जाता है, वैसे तो लेफ्ट में जाना चाहिए ना एक्स में माइनस होने पे। वाई में प्लस होता है तो वाई में प्लस होता है तो ऊपर जाना चाहिए पर जाता नीचे। सो एवरीथिंग हैपेंस, तो एक्स में प्लस तो लेफ्ट, एक्स में माइनस तो राइट, वाई प्लस तो नीचे और वाई माइनस तो ऊपर। नाउ लेट अस सी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप याद कर सकते हो और मैं अभी जैसे एग्जांपल्स दूंगा उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो सपोज आई आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, याद है ना वाई की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 1, ठीक है? इसका ग्राफ बनाने को बोलूं और इसके ग्राफ को बनाने के बाद 3 चीजें पूछता हूं, एक तो इसका ग्राफ बनाओ, दूसरा उसके डोमेन, उसके रेंज और उसके पीरियडिसिटी के बारे में कमेंट करो। याद है ना रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई होता है, तो वाई मैक्स और वाई मिन भी निकल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन अपने बेसिक ग्राफ से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और उसका एक थप्पा बना लेता हूं। ये 0 है, ये पाई है और ये 2π है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे होती है, मिनिमम वैल्यू 3π बाई 2 पे होती है। इतना डिटेल में बनाना के मन हो तो बना लेना, नहीं तो आप तो बस 0 पाई और 2π लिखा करो। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसके अंदर इफेक्ट्स लाते हैं। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब आप सब लोग नोट करते आना क्योंकि मैं धीरे धीरे इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा। मुझे इसका ग्राफ नहीं बनाना, मुझे इसका ग्राफ बनाना, तो पहले मैं 3 का इफेक्ट लाऊं, ठीक है? तो 3 के इफेक्ट को लाने के लिए मैं इसमें चेंज करने वाला हूं, अब मैं 3 साइन एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूं। ये किसका ग्राफ था पहले स्टेज में? हमने किसका ग्राफ बनाया? साइन एक्स का। अब मैं 3 साइन एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूं, मतलब इस 3 का इफेक्ट क्या होगा जानते हैं हम, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अब 1 नहीं होगी और क्या हो जाएगी 3, और मिनिमम वैल्यू -3। तो इसका जो पैटर्न है दैट वुड चेंज लाइक दिस, मैं रेड में बना देता हूं सो दैट यू कैन सी एवरी स्टेप्स में व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज हैपनिंग। ठीक है, सो दिस इज द चेंज दैट हैपेंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज क्या है साइन एक्स का -1 से 1, और इसका पीरियड क्या है 2π। फिर हमने 3 sin x को इंट्रोड्यूस किया,
3 sin x को इंट्रोड्यूस किया। बताओ 3 sin x के 3 को इंट्रोड्यूस करने के कारण क्या हुआ? डोमेन तो वही रहा। बताओ रेंज क्या हो गया? -3 से 3। अब बताओ पीरियड क्या? पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। पीरियड है चेंजेस रिमेन सेम डैश 2π। पर अब इसके अंदर एक और चीज हमें ऐड करनी है, वो है +1। सो फाइनली वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin x + 1। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, है ना? सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं स्टेज 1 मिटा देता हूं, नहीं तो देयर विल बी टू मच इंफॉर्मेशन एंड वी विल गेट कंफ्यूज्ड। अब मैं 3 sin x से 3 sin x + 1 चाहता हूं। सो कई लोग शायद फोर्सी कर चुके होंगे कि भले 3 sin x का ग्राफ था, अब 3 sin x प्लस 1 में का ग्राफ है तो क्या होगा? क्योंकि फंक्शन में आपने प्लस 1 कर दिया है तो एक तरह से सारा का सारा ग्राफ एक कदम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस 1 विल ब्रिंग अ शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। पर सर वहां पर तो आपने कुछ अलग लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना मैंने वो क्या लिखा हुआ है। देखो ये जो 1 है ना वो x में नहीं हो रहा, वो 3 sin x में हो रहा है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? Yes. मैंने 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये y माइनस 1 हो गया। अब देखो इसमें जिसका ग्राफ आपके सामने है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? x की जगह x है पर y की जगह क्या है? y माइनस 1। और जब y माइनस होता है तो ग्राफ कहां आता है? ऊपर। कितना माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है। तो कितना ऊपर जाएगा? 1 यूनिट ऊपर जाएगा। या फिर आप यहां भी देख सकते हो 3 sin x प्लस 1 है, तो 3 sin x प्लस 1 मतलब पूरा का पूरा फंक्शन एक कदम ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा? जो कहानी 0 पे हो रही है वो 1 पे होगी। तो ये हमारा नया बेस बन जाएगा। और द ग्राफ वुड स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर एंड इट वुड रीच टिल 4 नाउ, क्योंकि सब कुछ ऊपर गया। तो ग्राफ ऐसा होगा, यू यू नीचे मैक्सिमम का जाएगा -2, लेट मी इरेज द पुराना वाला ग्राफ, एवरीथिंग हैज गॉन अप। आप देखते हो पुराने ग्राफ के रिस्पेक्ट में एवरीथिंग हैज गॉन अप। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +4। और अब इसकी मिनिमम वैल्यू -3 नहीं रहेगी, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? -2। पर जो इसका मिनिमा है या मैक्सिमा है वो तो उन्हीं पॉइंट्स पे होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 sin x प्लस 1। सो व्हाट हैज दिस ट्रांसफॉर्मेशन डन? या मैं y में माइनस करके सोच लो, या तो ऊपर चले गया, या 3 sin x प्लस 1 है तो एवरीथिंग हैज गॉन अप। बाकी ये तो ग्राफ बना दिया हम लोगों ने, है ना? यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, दिस वाज ओनली फॉर अ रेफरेंस। तो द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, देख सकते हो 0 पे 3 sin 0 sin 0 0 3 into 0 0 plus 1, तो 1 से शुरू होगा। π/2 पे ये 4 होगा, देखते हैं क्यों। sin π/2 sin 90 1 3 9 1 into 3 3 3 plus 1 4 और फिर ये नीचे आएगा ऐसे। दिस इज द ग्राफ दैट यू विल गेट, इज दैट क्लियर? है ना? सो और इसके आगे फिर यही कहानी चलती रहेगी। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मैंने उसमें ग्राफ बना लिया है, सो आई कैन वेरी वेल सी, व्हाट वुड आई सी? दैट वाई इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 1। बताओ उसका डोमेन क्या है? डोमेन में कोई चेंज नहीं हुआ, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पूरे में फैला हुआ है। बताओ रेंज क्या होगी? ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है रेंज है -2 से 4। या फिर आप यहां सोच सकते हो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 into 3 3 3 plus 1, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू अब हो जाएगी 4। बताओ sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 -1 into 3 -3 -3 plus 1 -2। एंड व्हाट अबाउट द पीरियड? द पीरियड हैज नॉट चेंज्ड, पीरियड रिमेन 2π। बताओ पीरियड क्यों नहीं चेंज हुआ? सिंपल, x का कोएफिशिएंट अभी भी 1 है, x की रफ्तार तो आपने चेंज नहीं की, एंगल तो उसी x ही है अभी भी, तो ओरिजिनल पीरियड ही रहेगा। पर इस 3 के कारण ग्राफ ऊपर और नीचे ज्यादा गया था 3 गुना, पर इस प्लस 1 के कारण शिफ्टिंग हो गई। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड और लेट अस टेक अनदर एग्जांपल।
अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x. आप लोग जानते हो जो sin x है उसका ग्राफ तो हमने इन डेप्थ बनाया, एक एक पॉइंट को शोकेस कर करके बनाया. यू कैन डू द सेम थिंग फॉर cos. पर अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाकर cos x का ग्राफ सीखते हैं कैसा आएगा. तो आप जानते हो y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ को साइन में कन्वर्ट करने का मन कर रहा है मुझे, तो क्या मैं इसको 90 प्लस x लिख सकता हूं? सोच के बताइएगा. 90 और प्लस किया, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, और 90 के प्लस 90 के अबाउट जब आप रोटेशन करते हो तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? cos. तो यू कैन राइट लाइक दिस, और दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस x, और दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2. प्लीज मेक अ नोट. तो मैंने इतना कैलकुलेशन करके क्या लिख दिया कि y ऑफ cos x इज नथिंग बट साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2, है ना. मेक अ नोट, आई एम रेजिंग द ऊपर वाला पोर्शन एंड राइटिंग. अब मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मैंने चेंजेस किए हैं, साइन से cos का ग्राफ बनाऊंगा. याद है ना, साइन में हमने क्या किया था, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके किया था. अब मैं cos का ग्राफ साइन के ग्राफ से बना के दिखाऊंगा आपको, और देखना कैसे. सो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मैं इस बार पूरा बनाता हूं, सिर्फ एक ठप्पा नहीं बनाता हूं, थोड़ा लेंदी खींच देता हूं इसको. यूं होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1. ये पॉइंट क्या है? 0. ये पॉइंट क्या है? थोड़ा सा ये, ये पॉइंट है 2π, ये पॉइंट है पाए, ये पॉइंट है 3π, ये पॉइंट है -π, ये पॉइंट है -2π. ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का. पर सर मुझे तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है. ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं. तो कॉस एक्स ग्राफ को मैं रेड से बना रहा हूं. तो हमने मालूम है कि कॉस एक्स का ग्राफ होता है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2. प्लीज लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन हियर, व्हाट आई हैव रिटन. अगर एक्स में प्लस होता है ग्राफ कहां शिफ्ट होता है? लेफ्ट में. तो मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसका ग्राफ आपके सामने और इसका ग्राफ बनाना है. इसका ग्राफ बन गया तो वो cos x का ग्राफ है. इसके और इसमें क्या अंतर है? जहां जहां x है वहां x में पाई बाय 2 है, प्लस पाई बाय 2 है. तो x में प्लस होता है ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा. और ग्राफ कितने शिफ्ट होगा? जितना आपने प्लस किया है, पाई बाय 2. तो आपको मालूम है ये पाई बाय 2 है, तो ये पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा. कितने से? पाई बाय 2 से. तो जो चीज पाई बाय 2 पे हो रही है वो 0 पे होगी, और जो चीज पाई पे हो रही है वो पाई बाय 2 पे होगी. तो ग्राफ ऐसा होगा कुछ. जो चीज जीरो पे है वो माइनस पाई बाय 2 पे होगी. तो ग्राफ ऐसा होगा, जीरो से लेकर ये पूरा ग्राफ, ये पूरा पोर्शन यू शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा. आई गेस यू आर एबल टू फोर्स, ये वाला पोर्शन ये शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया. कितने शिफ्ट हुआ? पाई बाय 2 से शिफ्ट हुआ है. दिस इज माइनस पाई बाय 2, तो शिफ्ट लाइक दिस. ये पोर्शन जो पाई बाय 2 से पाई के बीच में है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो यहां आ गया. जो ये वाला पोर्शन है पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में, वो शिफ्ट होकर यहां आ गया. और जो ये वाला पोर्शन है जो 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के बीच में, वो यहां आ गया. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. सर इसके आगे क्या होगा? अरे इसके आगे तो वही कहानी होगी, ये वाला पोर्शन शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा. फिर ये वाला पोर्शन शिफ्ट होकर यूं आ जाएगा, एंड सो ऑन. पीछे भी यही होगा. सो व्हाट यू ऑब्जर्व, द ग्राफ ऑफ cos x इज एज सेम एज द ग्राफ ऑफ sin x, बट देयर इज अ लैग ऑफ पाई बाय 2. इनफैक्ट cos का ग्राफ पहले, cos का ग्राफ जो है पाई बाय 2 पहले, इट्स अ पाई बाय 2 फेस पहले देन sin x. जो चीज cos में 0 पे हो रही है वो चीज sin पे पाई बाय 2 पे हो रही है. जैसे cos ऑफ 0 1 हो रहा है जबकि sin पाई बाय 2 1 हो रहा है, मतलब sin 90 1 होता है जबकि cos 0 पे 1 हो चुका था. अब आई एम रेजिंग द साइन एक्स का ग्राफ. आई डोंट नीड दिस ग्राफ नाउ, मैंने तो सिर्फ यूज किया था इसका ग्राफ. क्या आप देख सकते हो ये cos x का ग्राफ है जो मैंने रेड में बनाया. एंड कॉन्सेंट्रेट, दिस इज 0, दिस इज व्हाट पाई बाय 2, दिस इज व्हाट पाई, पाई पे मिनिमम वैल्यू आई है, एंड दिस इज व्हाट 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, एंड व्हाट इज दिस 2 पाई.
मैं इसके एक ठप्पे को शेड कर रहा हूं, आप देखते हो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में जो कहानी है दोबारा वही होगी। देखो ना, ये जो है वो यहां आ गया। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स इज सेम एज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, पर ये पाई बाय टू पहले है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स दैट आई हैव ड्रॉन यूजिंग दिस शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? मेक अ नोट ऑफ इट। ये साइन एक्स की शुरुआत जीरो से होती थी, पर इसकी जीरो पे वैल्यू क्या होती है? वन। तो इसका जो एक ठप्पा होगा, इसका जो एक पैटर्न होगा वो ये होगा। दिस इज टू पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय टू एंड दिस इज जीरो। जीरो पे वैल्यू वन हो गई और पाई पे वैल्यू माइनस वन हो गई। ये वो शेडेड पोर्शन है जो मैंने आपको नीचे शो किया है। अंतर इसमें और साइन एक्स और कॉस एक्स में क्या अंतर है? ये साइन जीरो से शुरू होकर ही हो जाता था, ये वन से शुरू होकर ही हो जाएगा। और इसके आगे का ग्राफ, इसके आगे का ग्राफ वैसे ही होगा जैसे यहां तक चल रहा है, द सेम पैटर्न वुड कंटिन्यू। और ये आपके सामने बना हुआ है। इज इट क्लियर? सो मेक अ नोट ऑफ इट। ये माई जीरो पे, ये पाई बाय टू पे जीरो, ये पाई पे माइनस वन। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कॉस एक्स का डोमेन क्या है? X belongs to R. What is range? Again minus 1 से 1. देख लो, minus 1 से 1 के बीच में था ये, minus 1 से 1 के बीच में। But what about this period? Sir, इसका period भी तो sin x के period के जैसे ही है, shifting ही तो हुई है। और आप देखो तो इसका ठप्पे की डिजाइन अभी भी width इसकी कितनी है? 2 pi. तो इसका ये भी periodic function है और इसका period होता है 2 pi. और इसके अंदर भी वो सारी चीजें होती हैं जो साइन में होती हैं, जैसे कि पहले मेक अ नोट ऑफ इट। आई एम रेजिंग दिस, चलिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हमने बना लिया। साइन की तरह हम इसके सिर्फ एक ही लूप से काम चलाएंगे जो कि जीरो से लेकर टू पाई के बीच में है, और जरूरत पड़ेगी ये वन है और ये क्या है? माइनस वन। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे यू लाइक दिस, ठीक है? पर लेकिन दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक। अब मान लो तुमसे कहूं y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाए, तो आप साइन में सीख चुके हो। मॉड में क्या होगा? जो चीज नेगेटिव है वो भी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। बताओ कॉस ऑफ जीरो वन होता है, तो स्टार्ट तो ऐसे ही होगा पाई बाय टू तक, ये जीरो है वन। पर जो कॉस का ग्राफ है उसके बाद नीचे आएगा, पर मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। This is what has happened. 0 से pi by 2 positive था, pi by 2 से 3 pi by 2 negative था, तो वापस ऊपर आ गया और ये आ गया 2 pi. सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोबारा वही कहानी रिपीट होगी। This is what would happen. So what do you foresee here? बताओ इसका डोमेन क्या है? डोमेन सर इसका डोमेन है x belongs to R. बताओ इसका रेंज क्या है? वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है? जीरो से वन। और बताओ इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड हो गया पाई, वाई इज पाई। क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ इतने से काम बन जाएगा, यही तो इसका बेसिक लूप है या बेसिक ठप्पा है। और बताओ इसकी विड्थ कितनी है? पाई। अरे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, व्हाट इज द विड्थ? पाई। तो ये हो गया इसका पीरियड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स एंड दैट इज द पीरियड ऑफ मॉड कॉस एक्स। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जिसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने साइन में सीखी थी। याद है ना, जो जो कॉन्सेप्ट हमने साइन में सीखे थे वो सबके सब इसमें भी एप्लीकेबल है। याद है ना, वेर एवर यू फील आई एम गोइंग फास्ट जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सपोज समबडी टेल्स मी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ टू एक्स
So somebody asking you to draw the graph of this and comment on the domain, the range and the period. So let us start. सबसे पहले मैं cosec का ग्राफ बना देता हूँ. ये cosec का ग्राफ है. Why am I making it again and again? So that आपको रट जाए. ये 2 pi, ये 3 pi by 2 है, ये pi by 2 है, ये 0 है और ये है pi. ये 1 है इसकी maximum value और इसकी minimum value क्या है? Minus 1. और इसके बाद की कहानी same to same continue होगी. So this is the graph of y is equal to cos x. इसका डोमेन क्या है? All real numbers. इसकी रेंज क्या है? Minus 1 से 1. और इसका पीरियड क्या है? 2 pi. अब let us introduce 3. बताओ 3 introduce होने से क्या होगा? तो वहां से इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माइनस थ्री कॉस एक्स की. आप देख सकते हो इसके ग्राफ में मैं माइनस थ्री इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. बताओ माइनस थ्री से क्या होगा? माइनस थ्री के इंट्रोड्यूस होने से पहली बात तो जहां जाए पॉजिटिव वहां नेगेटिव जाएगा क्योंकि माइनस है और थ्री होने के कारण तीन नीचे और तीन ऊपर चला जाएगा. तो इसका ग्राफ होगा समथिंग लाइक दिस. ये है माइनस थ्री जीरो पे, यह है पाई बाय टू, यह है पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू एंड दिस इज टू पाई. आप ऑब्जर्व कर सकते हो जहां जहां वो पॉजिटिव था, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस थ्री और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस थ्री. ये है माइनस थ्री का इफेक्ट. थ्री के इफेक्ट के कारण ऊपर और नीचे तीन गुना और माइनस के कारण जहां जहां वो पॉजिटिव था वहां नेगेटिव. जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया. ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में अब ये पॉजिटिव हो गया और फोर्थ में वापस से क्या हो गया? नेगेटिव. अब बात आती है इस स्टेज पे डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल नंबर्स. रेंज क्या है? माइनस थ्री से थ्री और पीरियड अभी भी टू पाई. पर हम फाइनल इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. याद है ना मुझे कॉस एक्स से ये बनाना था तो पहले माइनस थ्री इंट्रोड्यूस किया. अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं माइनस थ्री कॉस ऑफ टू एक्स. बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक्स के टू एक्स हो गया. बताओ जब एंगल डबल हो जाता है तो क्या होता है? जो पीरियड होता है उतने गुना कम हो जाता है. तो अभी इसका पीरियड क्या था? अभी इसका पीरियड था 2 पाई. पर इस 2x के कारण अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 विच इज व्हाट? पाई. इज इट क्लियर? तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसी बना देता हूं. जिस कहानी को ये पूरा ग्राफ स्क्वीज हो जाएगा आधे में, तो जो चीज जीरो से टू पाई में हो रही है वो चीज जीरो से पाई में हो जाएगी. इसी पे बना देता हूं मैं आपको, है ना. सो देखो उसका ग्राफ कैसा होगा. देखो सेम नेचर, सेम नेचर, पर ये आधे में हो गया. इसके आगे क्या होगा? वापस है. क्या ऑब्जर्व करते हो आप? ये इसका एक ठप्पा है. क्या ऑब्जर्व करते हो? अब इसका पीरियड हो गया पाई, जबकि पहले पीरियड क्या था? टू पाई. तो दिस इज, अब मैं ब्लैक वाले को मिटा दूं. एंड व्हाट इज पीरियड नाउ? दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय टू एंड दिस इज पाई. दिस इज द पीरियड नाउ पाई. तो अभी तो पीरियड पाई हो गया. तो जैसा मैंने कहा था एंगल को डबल करने से स्क्वीज हो गया, है ना. सो लेट मी जस्ट समराइज दिस साइन एंड कॉस के ग्राफ्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. सो क्या क्या चीजें हमें समरी में लेके जानी चाहिए इसके बाद? सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है उसका ग्राफ पूरे x एक्सिस में फैला है, पर हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए. दिस इज जीरो, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू माइनस 1, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड दिस वुड कंटिन्यू लाइक दिस. पता है इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r. रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 और इसका पीरियड क्या है? 2 पाई. ठीक है, फिर आता है y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स. इसमें क्या होगा?
जहां जहां पॉजिटिव वो तो रहेगा एज इट इज, पर जो नेगेटिव वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस इज हाउ इट वुड कंटिन्यू। इसका एक ठप्पा ये होता है, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन। तो बताएं इसका डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। बताएं इसका रेंज क्या है, जीरो से वन, क्योंकि ये जीरो से लेकर वन के बीच में। एंड इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है पाई, है ना। द सेम वुड हैपन विद कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक ठप्पा कैसा होता है, यू, ये जीरो से ना शुरू होकर वन से शुरू होता है, एंड इट कंटिन्यू लाइक दिस इज टू पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज जीरो, एंड दिस इज थ्री पाई बाय टू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, ठीक है। बताओ इसका डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। बताओ इसका रेंज क्या है, y इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस वन से वन, और इसका पीरियड क्या है, टू पाई, ठीक है। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, मॉड cos x हो या cos स्क्वायर x हो एक ही इफेक्ट आएगा, इसमें क्या होगा, ये ऐसा होगा, नेगेटिव वाला वापस भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस हाउ इट विल कंटिन्यू, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज थ्री पाई बाय टू, एंड दिस इज पाई। इसका एक ठप्पा क्या है, इसका एक ठप्पा ये रहा। तो बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। बताओ इसका रेंज क्या है, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ जीरो से पाई, और बताओ इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है पाई, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, है ना, मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज फोर, है ना। फिर हमने क्या देखा कि ये बात तो अच्छी है, और व्हाट इफ कोएफिशिएंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कोएफिशिएंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने क्या देखा, साइन और कॉस में एक ही जैसा इफेक्ट होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स हो तो साइन का कोएफिशिएंट ए है, तो उसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ग्राफ हर जगह फैला होगा। रेंज क्या होगा, रेंज को इफेक्ट करता है साइन एक्स का कोएफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, एक गुना ऊपर एक गुना नीचे। और डोमेन क्या, सॉरी पीरियड क्या होगा, पीरियड को कौन इफेक्ट करता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो कि बी है, तो पीरियड होगा टू पाई बाय बी। एंड सेम वुड हैपन इफ इट हैव बीन ए कॉस ऑफ बी एक्स, इज दैट क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ साइन एंड कॉस। साथ में हमने एक शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, एक्स में प्लस करो तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, एक्स में माइनस करो तो राइट शिफ्ट होगा, वाई में प्लस करो तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, सॉरी वाई में प्लस करो तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, और वाई में माइनस करो तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर, है ना। सो सी दिस, और आर डी शर्मा से जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसमें साइन और कॉस को कंप्लीट कर दो, द रिमेनिंग टैन सेक कोसेक एंड कॉट वो हम बहुत तेजी से कर देंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बस साइन एंड कॉस को आप आज कंप्लीट कर लो, है ना, वॉट एवर वी हैव आई हैव टोल्ड यू, है ना। सो आई विल जस्ट राइट सम क्वेश्चंस दैट यू शुड अटेम्प्ट, है ना, एट होम। सो यू शुड अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड राइट डोमेन रेंज एंड पीरियड। सो अटेम्प्ट देम। पहला, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन। दूसरा, वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। थर्ड, वाई इज इक्वल टू थ्री साइन टू एक्स। फोर्थ, वाई इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ कॉस 4x प्लस 1, है ना। सो अटेम्प्ट दीज फोर क्वेश्चंस, एंड आई एम फॉर वेरी श्योर जितना मैंने आज क्लास में करवाया इस लेक्चर में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, दिस इज माइनस हाफ कॉस 4x प्लस 1, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, फाइन। सो आई एंड हियर।